नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता की। उम्मीद करते हैं आप सब अपने अपने जगह पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में सभी मस्त होंगे। तो हम भी मस्त हैं। तो आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग कर रहे हैं हम स्टार्ट गाड़ी से ही। कल रात को निकले थे घर से, तो अंधेरे में ब्लॉग शूट नहीं कर पाए, तो घर में भी थोड़ा बिजी ही थे। तो आज जा रहे हैं हम ईंटें भरने। तो मेरे साथ है आज चमन। गुड मॉर्निंग बोल दे चमन। गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम पहुंचे हैं, मतलब ये अपने क्या बोलते हैं, कटोरी और दुनेरा के बीच में हम जा रहे हैं ईंटें भरने। एक्चुअल मैं जा रहा था अपनी एलपी पे रोपड़, लेकिन मुझे कुछ काम पड़ गया अर्जेंट पठानकोट में। काम क्या है कि मेरी एक गाड़ी हुई थी टोटल लॉस, कार पीछे एक्सीडेंट हुआ तो उसका एफिडेविट वगैरह दे रहे, तो उसके लोन लान का चक्कर है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वालों के ऑफिस। तो इसलिए मैंने रोपड़ का रिजेक्ट कर दिया। तो अभी जाएंगे हम, चमन जाएगा ईंटें भरने, मैं जाऊंगा ऑफिस में। तो चलो फिर मिलते हैं, आगे जो भी सिचुएशन रहती है तो बताएंगे आपको। एक दो दिन ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, कुछ बस माहौल सा ही नहीं बना और बिजी ही रहा शेड्यूल। तो आज कर रहे हैं हम ब्लॉग शूट अपना। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ब्लॉग को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलो बाकी जो भी रहती है रास्ते की सिचुएशन तो बताएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। तो चलो दिखाते हैं आगे का माहौल जैसा भी है जो भी है। गाइस, ये है दुनेरा और कटोरी के बीच का सफर। रोड बहुत खराब, यहाँ पे 2 साल हो गए, एक हो रोड में खड्डे खुडे पड़े हुए। पंजाब सरकार इधर कोई ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया पड़ता है हिमाचल और पंजाब का। ना तो इसको कोई हिमाचल वाला देखता है, ना ही पंजाब वाला। तो ये दुनेरा से ऊपर बहुत ही खराब रोड है कटोरी तक, ये देखो। हाय 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 पूरी हिलती है गाड़ी। कुछ इस तरह का है माहौल, गर्मी बहुत ज़्यादा। हम खासकर हम पहाड़ों से आते हैं, मतलब पहाड़ी एरिया से, तो हमारे वहाँ इतनी गर्मी नहीं होती है। इधर आके तो बहुत गर्मी लगती है। ये सामने नजर आ रहा है झाड़ियों के बीच से, देखो दुनेरा शहर। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। दुनेरा कर लिया क्रॉस। तो अब हम पहुंचने वाले हैं पॉल टेक्निकल कॉलेज के पास। XUV 300 500। बहुत ही पेड़ों से भरा हुआ इलाका। पठानकोट तक लगभग ऐसा ही देखने को मिलेगा। रास्ते का बहुत बुरा हाल है ये।
पहले तो पठानकोट तक बुरा हाल था, लेकिन अब थोड़ी पार्क वगैरह भी शायद ही है रोड पे, थोड़ा सा ही पॉइंट बचा है, ये 4-5 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर का खड्डे ही खड्डे। बहुत ही शर्म की बात है ये गवर्नमेंट के लिए, नेशनल हाईवे का ऐसा हाल है तो लिंक रोडों का क्या होगा, बहुत ही बुरा हाल। देखो गड्ढे ही गड्ढे, मन मेरा और तन को धोए। कभी न मन मंदिर में तूने प्रेम की ज्योत जलाई, सुख पाने तू दर दर भटके जन्म पहुंच चुके हैं लगभग सुख चिंद्रा कॉलेज के पास, दिन दिन लुटता जाए, मोती लेने आया यहाँ पे है सुचित्रा कॉलेज, सीप से मन बहलाए। भी काफी बच्चे हमारे उधर से आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग ट्रूनिंग करने के लिए, नर्सिंग इंजीनियरिंग वगैरह पता नहीं क्या क्या होता है यहाँ पे, मगर होती है ट्रेनिंग, हमें तो उतना नॉलेज नहीं की कौन सी होती है, क्योंकि पढ़ाई के मामले में हम टॉप देने वाली क्यों चमन, तू कैसा था यार पढ़ाई के मामले में? बड़ा लाइक था हमेशा 99 ले आया। अच्छा पढ़ नहीं पाया बस उसमें, अच्छा अगर पढ़ा होता तो मैं आज तक कहीं डीसी लगा होता, डीसी ड्राइवर तो बन नहीं गया फिर, वही तो चक्कर है, पढ़ा होता तो ना मैं भी पढ़ा होता तो मैं भी आज शायद, मतलब हमें डी से ड्राइवर है हम, वो तो यार जो किस्मत ने मेरी लिखा है, शुक्र है परमात्मा का, हमें ये दर्शन हो गए, ये मशीनरी देख के खुश हो गए, अब होप हो, हमें होप हो गई कि ये रोड पक्का हो जाएगा। तो ये है सुखजिंद्रा कॉलेज की बिल्डिंग, आगे से दिखाएंगे हम आपको, ना ये मेरा। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे टूरिस्ट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इस साल बहुत कम टूरिस्ट हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा में डलहौजी साच पास के लिए, हम सब खेल खिलौने उसके खेल रहा करतार, ये आ गए हम सुखजिंद्रा कॉलेज के पास, रहा करतार कुछ इस तरह से, रहा सुखजिंद्रा कॉलेज की ज्योति सब में दम, ये है सुखजिंद्रा कॉलेज, सब में उसका प्यार रे, सब में उसका प्यार रे, मन मंदिर में दर्शन कर ले उन प्राणों, इस तरह इधर पूरा रोड ये पक्का हो चुका है, इधर थोड़ी आगे राहत मिलती है, भूमि उसी की सब कुछ उसी महान, आज का हमारा सफर चला हुआ है, पहुंच चुके हैं बधाणी, पंप पे खड़े हैं, तो यहाँ पैसे निकालने के लिए पप्पू भेजा था, ये आ रहा है इधर से, तो इसके पास दिया था एटीएम, लेकिन यहाँ एटीएम में पैसे नहीं है, आ गया पैसे मस्त मस्त चाल में चल रहा है, तो ये लौट आया, अब इसके लिए खोलते हैं बारी, ये देखो आ गया खाली हाथी, नहीं निकले भाई पैसे हैं, जिंदा रहे, नहीं निकले पैसे क्यों हैं, नहीं
अच्छा अच्छा नहीं मैं जाना था घर जाइए यार कमरे में मेरा भला बन गया बड़ा वीर बन के घर जाइए तू गया किथे सी यार मैं पति गया सी का हुशियारपुर ते यार केड़े कोले खवा देंदा सानू जी केड़े कर लो इतनी बतेरी गड्डी गड्डी है केड़े वाला है नहीं ते ये है पप्पू जी कलेल से तो ये चमन और ये हम तो चलो देखते हैं आगे का सफर तो अब यहाँ से जर्नी कर दी स्टार्ट गर्मी से बुरा हाल और ये गाड़ी वाले सीधे ऊपर ही चढ़ रहे हैं तो ये कुछ शक्ल देखा कुछ सुस्ती ऐसी शरीर ढीला पड़ चुका है गर्मी की वजह से काफ़ी दिन के बाद आना घर से तो बहुत ही गर्मी लगती है अपने गांव का माहौल बिल्कुल ठंडा होता है तो अपना हिमाचल है ही स्वर्ग से प्यारा खास करके अपना चुरा अपना हिमाचल जान से प्यारा वहाँ का बहुत ही सुंदर है नज़ारा तो इसलिए गर्मी में ज़्यादा अपने हिमाचल में ही रहें और इधर कम से कम ही आए गर्मी में बहुत ही बुरा हाल है गर्मी से बुरा हाल आज तो गर्मी इतनी है कि गर्मी बोल रही है कि आज ही आऊँगी दोबारा होगी नहीं या हमें लग रही है पता नहीं तो ये गाड़ी है खाली बिल्कुल मैं और चमन ही है साथ अभी एल पी बेबी थी रोपड़ बशीर ने मुझे व्हाट्सएप पे एक पिक सेंड की और टायर फाड़ दिया गाड़ियों के काम का भी बहुत बुरा हाल है आज की डेट में बचता नहीं है कुछ नहीं टायर टूर ब्लास्ट होते हैं तो फिर बहुत ही तकलीफ होती है काफ़ी महंगे हो चुके हैं टायर पहले 35-36 हज़ार की जोड़ी आ जाती थी अब साल जो मतलब नायलन के होते हैं अभी डलवाई थी 2-4 दिन पहले एलपी में 37 हज़ार के तो आज पता किया तो टायर 40 हज़ार तो महंगाई भी आसमान को छू रही है खासकर गाड़ियों के मसले में बहुत ही बुरा हाल ट्रांसपोर्ट लाइन का तो इससे बेहतर गाड़ियों के काम से बेहतर तो आज की डेट में अगर बंदा गारंटी में दिहाड़ी लगा ले तो सबसे बेटर है कुछ ऐसी पोजीशन है आजकल काम का बुरा हाल कंपटीशन की वजह से एक तो हम हमारी गाड़ी वाले जो भी है एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग सही नहीं बैठती है हमने खुद ही मार्केट का बुरा हाल किया गाड़ी वालों ने बाकी हम किसी को कोई दोष नहीं देते जो किराया से 5 साल पहले थे उनसे भी 500 हज़ार रुपया चक्कर का कम ही मिल रहा है आज की डेट में तो बहुत राज का है फोन में फोन अटेंड करके मिलते हैं आपके साथ हम पहुंच चुके हैं चक्की चौक पे इधर रोड जाता है कांगड़ा के लिए कांगड़ा शिमला के लिए ऊना चला गया आगे चला गया अमृतसर पठानकोट जलंधर मतलब ऑल ओवर इंडिया ही मान के चलो हिमाचल को छोड़ के बाया हिमाचल भी जाते हैं हरियाणा हरियाणा को लेकिन मेन रोड तो यही आता है जो आगे पठानकोट की तरफ जाता है इधर से ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी जा सकते हैं ये रोड के हालात काफी तो अभी 10 मिनट ये कुछ इस तरह गए हैं हम ठंडा लेने के लिए तो ये सामने भट्टे पे पहुंच गए हैं चमन ले आया कोक तो अब पीते हैं कोक कितने का दिया चमन हैं यार ठंडे तो है नहीं ये ठंडा है ना तो चलो पीते हैं ठंडा और ये भट्टा है बस यहाँ पे करनी है हमने गाड़ी लोड चलो फिर मिलते हैं भट्टे पे जा करके ये पहुंच चुके हैं भट्टे पे तो लगा रहे हैं गाड़ी तो इस तरह से कुछ लगानी पड़ती है गाड़ी तो बहुत मुश्किल है चल 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 आंदे तो ये अंदर लगा के भरेंगे गाड़ी चल 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 आंदे तो इतनी लंबी गाड़ी है तो यह लगानी मुश्किल पड़ेगी चमन
अगर इधी अपने सीधी कर लागे। चल 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 चल, तो ये कुछ इस हिसाब से लगेगी गाड़ी। आगे कर ले, आगे थोड़ी और उस्ताद आगे जान दे यार। बड़ी टफ है गाड़ी लगानी यहाँ पे। चल 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 चल, आन दे। तो गाड़ी लगाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सर थोड़ी पीछे करनी पड़ेगी गाड़ी। ये लगा रहा चलने गाड़ी। चल 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 चल, जाने दे। ठीक है, पास। ये लगा दी गाड़ी, फिर लोडिंग स्टार्ट। कुछ इस तरह से करते हैं गाड़ी लोड, बहुत ही मेहनत करते हैं ये। इतनी मेहनत में काफी बुरा हो। ये इस तरह से मर्दों के बराबर काम करती है। ये है भट्टा, तो इस तरफ लगी है कच्ची ईंट। तो बोल फिर। ये है कच्ची ईंट, तो एक साइड से ये जो तैयार होती है इनको लोड करते हैं, दूसरी साइड में इस तरह से कच्ची ईंटें लगाते हैं। तो ये आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं भट्टे, नहीं तो पहले आग लगाते थे। ये जो चिमनियाँ हैं, इन चिमनियों में आग उससे तैयार होती थी ईंटें। बहुत ही पुराना भट्टा है ये, सोनू का भट्टा यहाँ पे होते हैं बलजीत भाई, तो हम उनके पास ही आते हैं लगभग ईंटें। इनकी ईंटें सबसे बढ़िया होती है पठान अपने दीरानगर में। तो ये बाहर का व्यू भट्टे का, ये लगी है ईंटें। ये शायद छत बढ़ा रहे हैं और ये कारीगर लगे हैं छत का काम। ये कुछ इस तरह से, अब जैसे गाड़ियाँ आती हैं अंदर भरते हैं, उसके बाद गाड़ियाँ चली जाती हैं, जब फ्री होते हैं तो ये बाहर निकाल के रखते हैं ईंटें। तो फिर कई बार यहाँ बीच से बाहर से भी भरते हैं। तो ये अंदर हो रही है गाड़ी लोड। तो ये कुछ इस तरह का भट्टे का व्यू, नहा रहे हैं। अलग अलग काम बांटे हुए होते हैं यहाँ पे लेबर के, कईयों का निकासी का काम, कईयों का ऊपर कोयला फेंकते हैं, तो कई गाड़ियाँ लोड करते हैं। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा हुआ है। तो इधर से निकलते हैं बाहर, शायद सामने कोई स्कूल है। तो इस छोटे से रास्ते से अंदर ले जाते हैं गाड़ी, देखा भी आपने बड़ी मुश्किल के साथ गाड़ी अंदर की। तो बाकी यहाँ से निकलते हैं, तो बाकी फिर करते हैं आपसे बात। तो तब तक के लिए गाड़ी लोड करवाते हैं, पेमेंट वगैरह तो डैडी शायद ऑनलाइन ही करेंगे। तो ये ईंटें जाके बेचेंगे हम अपनी शॉप पे देहरोग में जाके। कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन लोगों को ये ईंटें तैयार करने में। चमन भी परेशान बैठा है यहाँ गर्मी से। तो चलो फिर आगे का जो भी होगा सिचुएशन तो वो दिखाएंगे आपको। अब थोड़ी आगे करनी पड़ती है, थोड़ी पीछे, दो मिनट के बाद। तो यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है गाड़ी आगे पीछे करने की, तो फिर पीछे करनी पड़ेगी। कोई 10 बार आगे 10 बार पीछे करनी पड़ती है गाड़ी। गाड़ी हो गई लोड, तो निकल पड़े हम भट्टे से, पहुंच गए मेन रोड पे। तो बहुत ही फुर्ती से की गाड़ी लोड। तो अब जाएंगे हम फिर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से, यहाँ से बाईपास घूम के। तो यहाँ से देखो लेंगे टर्न, ये आगे टर्न। तो वहाँ से दूसरी साइड से फिर घूम जाएंगे हम कंडक्टर साइड बाईपास रोड पे, टोल बचा के। तो वहाँ पे जहाँ पे ट्रैक्टर है वहाँ से जाएंगे हम मेरी साइड, मतलब कंडक्टर साइड लेफ्ट साइड। तो ये रोड निकलेगा सीधा जाके बाबा बर्फानी मंदिर के पास। तो हम इधर से जाएंगे पठानकोट की ओर, ये ले ली टर्न, जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे हम पठानकोट की ओर।
तो ईंटें भर के चल पड़े। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। तो अब वापसी का जो भी रहेगा दिखाएंगे हम आपको अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए सबको प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और जय माता की। अभी बज चुके हैं दिन के, कितना टाइम हो गया चमन? पूरा एक बज के 8 मिनट पे निकले हैं। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। तो हमें भर भर के प्यार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर जो भी हमसे त्रुटि रह रही है, अभी नया नया चैनल शुरू किया है हमने, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना एक हो सकता है उतना आपको दिखा रहे हैं। तो बाकी चलो देखते हैं, तो करते हैं गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, लव यू ऑल गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।